रमजान की आमद मुबारक। आज का दिन रमजान के कुरान शरीफ के अहकाम है, वो हमें अभी फॉलो करेंगे। यही करने का मौका दिया गया है हदीस और कुरान शरीफ में। तो पाक साफ होना चाहिए और रोजे की हालत, रोजे में और तरावे पूरे करना और तमाम चीज, जितने भी गलत काम है देश में सुने भी नहीं है, ऐसे तमाम चीज के नजदीक और ख्वाब में भी नहीं देखने का रमजान की मुबारकबाद के साथ आती है। और ये चीज का ये याददाश्त महीना क्या है लोगों के लिए, जो मालदार करके जो बोलते हैं मालदारों के लिए ये महीना ये आया है। तो गरीब का पानी, गरीब का चावल, गरीब की भूख और गरीब का घर, ये तमाम चीज सूचने का महीने के लिए ये महीने में रोजा रखा है। और तमाम चीज ये भी एक अलग हदीस में अलग है, पुराने रोशनी में अलग है, दूसरे तमाम चीज में अलग अलग होता है। तो ये चीज है मेरे तरफ से मुबारकबाद के साथ, ये है कि भाई आप पैसे वालों करके जबान से बोलने वालों को, अपने और कार बंगला दौलत बताने वालों को, पानी और चावल और शहर में चावल और इफ्तारी में गंजी हो, कम से कम इसका ख्याल होना चाहिए। बेंगलुरु के, कर्नाटका के, हिंदुस्तान के, मुल्क के और दुनिया के तमाम मालदारों के लिए एक निशानी है ये, जो नहीं करेगा वो खसारे में जाएगा, गुनेगार होगा, रमजान के नाम से अपने धोखे में जाएगा, दोदख को मोड़ लेंगे हमें। तो पहले हमें गरीबों के शहर में क्या होगा, कितना चावल है, क्या होगा, हमें शान करना, बाजारों में लाइटिंग डाल लेना, बाजारों में सिलगाना, वो नहीं है। गरीब कितने लाख कितने करोड़ है, उनकी भूख के लिए, उनको पानी और उनको और अपना घर कैसे, घर पे कहां ये लोग करते हैं, ये सोचने का फर्ज हमारा मुसलमानों का कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में ये दिया गया है। मेरे अल्लाह का, मेरे नबियों के रास्ते में बताया गया है, उनकी जबान से, सहाबियों के जबान से बोला गया है, सहाबियों में, नबियों में और एक भी मालदार करके आज जैसा बोलते हैं, आज ये के जगह 5 या 10 सेपरेट जेट फ्लाइट्स रखते हैं, 10 या 15 कार्स रखते हैं, ऐसा ये भी सहाबी में नहीं था। ये तमाम उलेमा लोग भी बताए हैं और उलेमा लोगों से भी ये मेरी मांग भी है कि भाई उलेमा लोग बताना है कि भाई क्या होता है, क्या चीज करते हैं, कौन अपनी चीज दौलत का बोलने का महीना ये रमजान है क्या, अपनी दौलत गरीबों में भूख के लिए, प्यास के लिए, घर के लिए अपनी चीज समझा के छपा के पूरा देने का महीना है। गरीब को तो ऐसा ही नेकी मिलेगी, मिलने वाली है, हमारे तरफ से मुबारकबाद है। मगर पैसे वाला करके बोलने वाला ये रमजान में ऐसे रमजानों से, ऐसे अल्लाह के रास्तों से जो बताई हुई चीजों से जो अहकाम नहीं किए तो दोदख में जाएंगे, दोदख की आग ले लेंगे। तो ये तमाम चीजों को जमीन में रखते हुए हमें अच्छा सा रमजान गरीबों के साथ, दोस्तानों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपनी गंदगी, अपनी तमाम चीज दौलत की मगरूर छोड़ के हमें रमजान पूरे मिलके मनाएंगे। फिर मेरे तरफ से रमजान की आमदी मुबारक है तमाम मुसलमानों को। इस रमजान के मुबारक महीने से फलस्तीन में जो बच्चों के आंख से आंसू की जगह खून जा रहा है, वो चीज को हमारी दुआ, लोगों की दुआ से अल्लाह ये लोगों की तकलीफ दूर करे। बेंगलुरु में, कर्नाटक में कई हजार कई सौ लोग अपने जेलों में बैठे हैं, बगैर गलती करे शरीयत का नाम लिए जेलों में बैठे हैं और हलाल रोजी, हराम के ठुकरा के हलाल रोजी को जो उलेमाए करम जो बताए ये रास्ते में चल के आईएमए के
नाम से, ऐसे कई इंजाज हो, इन फला हो, एम्बिडेंट हो, कई हजार करोड़ रुपए लोगों का गया है, जल गया है, इसे भी अल्लाह ये लोगों को भी रास्ता बताए इनके चीजों का, इनके परिवारों में उनका पैसा वापिस आने की दुआ करें, हमें पूरे मिलके तमाम दुआ करें। और लोगों का ईमान कमजोर हो गया है, जो हम देखते हैं ईमान की कमजोरी जो कर्नाटक में भी है, देश में, हिंदुस्तान में हो रहा है, तो ये ईमान की कमजोरी सख्ती के लिए भी हम दुआ करेंगे। ईमान जिस जगह पैसा है, जिस जगह गाड़ी है, इसको खुदा मानने लगे हैं, ऐसे तमाम अपने आप को खुदा मान रहे हैं, अपने आप को बोला जा रहा है हमें ही पूरी दौलत वाले है, हमें ही खुदा है, हमें ही खुदा दात मानेंगे जिसके पास पावर होगा, ये तमाम चीजों को हम अल्लाह से मांगेंगे। ऐसे लोगों को भी पना दे, है ना, ऐसे लोगों को भी माफ करें। और जो भी चीज है हदीस के रास्ते में, अहकामात के रास्तों में, इनके लिए भी हम भलाई करा दुआ मांगेंगे। और ईमानदारी, हमारी ईमान जो चीज है, हम शरीयत पे, अपने कुरान शरीफ पे, अपने हदीस में रखने की तौफीक अल्लाह देने की, गरीबों की जितनी कमाई, मेहनत की कमाई जो पैसों वालों के जेब में है, जो पैसे वाले, जो आज के जितने देश के पैसे वाले हैं, गरीबों के खून से खेलना चाहते थे, बच्चों को, मासूमों को माँ से, अपने बच्चों से जो जुदा करके जेलों में रखे हैं, इनको वापस मिलाने के हमें दिल से रोजे के हालात में, हर टाइम पे, हर जगह, हर मसाजिद में, हर घर में हमारी दुआ होना चाहिए। हम दुआ करेंगे, लोगों से मैं अपील करता हूँ, ये तमाम चीज जो गई हुई चीज उनको आने दो, और ईमान के ऊपर सख्त भरोसा रखने का, हम मान ईमान रखने का हमारा तौफीक अल्लाह अदा करे। अल्लाह से हम दुआ करेंगे हम तमाम चीजों में, जितनी ईमानदारी के ऊपर आज आग जल रही है, ईमान कमजोर हो रहा है, ईमान, इस ईमान को पुख्ता करने के लिए, सख्ती में लाने के लिए हमें उलमाए इकराम के साथ जम के हम दुआ करेंगे, और उनकी दुआ को भी हम आमीन बोलेंगे। बेंगलुरु में नहीं, पूरी कर्नाटका में भी और आड़ोस पड़ोस हमारे स्टेटों में भी मुसलमान का हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत ही तकलीफ में है। जिसके पास धंधा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास हेलीकॉप्टर और अपने का बेहतरीन कार है, उन्हीं मुसलमान के नाम से चलते हैं। गरीबों को अपने चाकना ने अपने नमक के से कमी हो गई है, नमक तक नहीं मिल रहा है, नमक की इज्जत भी उनको नहीं आ रही है। ये हमें अल्लाह के सामने हमें गिड़गिड़ा के मांगेंगे कि हमारे गरीब भाइयों को देखने का मकसद मालदारों से ही होता है। बैंक में कैश है, एटीएम में कैश है, तो पैसा जाता है, तो गरीबों का पैसा मालदारों से ही जाना है। मालदार का नाम कभी नहीं था, पैसा जिसके पास होता है वो हमें तकसीम करके उनको भी हम बनावे, उनको भी हमारे साथ तमाम घरदार में अपने बच्चों के साथ, अपने खाना पानी इज्जत के साथ, कम से कम इनकी जो दौलत पैसा वाला खाया है वो दौलत उनको वापस ला के उनको देने की नियत करेंगे, वादा करेंगे, हमें दुआ करेंगे। पूरे तमाम उलेमा इकराम एक होके खड़के, इसके अलावा अपनी शान शौकत में, अपनी दौलत की बात में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में ये करेंगे, तो दावत अपने आप को हमारे जैसे मुसलमान दोदक की दावत देने में जमता है। गरीबों का सूचने का महीना है, भूख में जो तड़प रहा है, हम बोलते हैं कि रोजा, हम बोलते हैं खुशी का माना, मगर ये क्या है, कभी कभी 4 बजे, 3 बजे, रात के 12 बजे, तहज्जुद से सहरी तक क्या है, किसी को ख्याल नहीं, कई लाख कई करोड़ घरों में नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है, अपनी इज्जत अपनी कार में, अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने गलियों में, अपने इफ्तारी के तमाम चीजों में बताना चाहते हैं। गरीब का कोई सूचा नहीं है, गरीब का उलेमा इकराम के पास चाबी है, अपनी चाबी से बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। इसकी मुबारकबाद हम रमजान की आमदी की फिर एक बार देते हुए हमारी अपील है कि हम गरीबों के साथ ईमानदारी के साथ, मालदार के गुरूरी के खिलाफ खड़के हमारा हकूक जैसा दिया गया है कुरान शरीफ की रोशनी में,
हदीस की रोशनी में ये जो चीज पाने के लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हमारा हक देगा, दुश्मनों के पास से निकाल के देगा, दुश्मनों को सर्वनाश करेगा। ये जो चाहे कौन से भी खून में हो जावे, वो चाहे मुसलमान में भी हो जावे, करेगा जब तक गरीब खुशी से 30 रोजे अपने तहज्जुद और तरावे खुशी से अपने पेट भर के खा के नहीं होता है, तब तक रमजान के ऊपर बहुत मुश्किलात होगी, यानी रमजान में कमोपेशी होगी। कमोपेशी सोचने के लिए ये महीने का, ये मंथ का, ये आमदनी का ये इम्पोर्टेंस है, ये हम समझना है, मैं खुद समझना है, हमें समझाना भी है, हमें मनाना, हमें पहनना, हमें खाना, ये तमाम चीज के लिए कुरान शरीफ में, कुरान की रोशनी में बोला नहीं गया है। ये चीज के लिए मेरी फिर एक बार गुजारिश है, गरीब का सोचे, ईमानदारी के ऊपर सोचे, ईमानदारी से जीने का देखें, दुनिया की पूरी दौलत टूट के आ जावे, ईमानदारी मुसलमान नहीं बटकाए, नहीं बदलाए, ये उम्मीद है मुझे। ये रमजान से तमाम जो लौटी हुई खोई हुई ईमानदारी मुसलमान को वापिस आ जावे। अस्सलाम वालेकुम।